अखिलेश यादव का बयान, इनकी राजनीति करने का ढंग पत्रकारों से बेहतर कौन जानता होगा? क्या नैरेटिव सेट करता है, क्या कहानी बनाना है, पहले ही व्हाट्सएप आ जाता होगा। ये जो चिल्ला रहे हैं समाजवादी समाजवादी, 27 के चुनाव के बाद जनता इन्हें समाप्त कर देगी। गोमती नगर बारिश कांड को लेकर के कहा कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है, सरकार के इशारे पर काम कर रही है, पुलिस को न्याय देना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलेगी क्या, उन लोगों के ऊपर नहीं चलेगी जो बीजेपी के खासम खास लोग हैं। इनके राजनीति करने का ढंग और उत्तर प्रदेश के हमारे पत्रकार साथियों आपसे बेहतर कौन जानता होगा। आंख बाद में खुलती होगी, क्या नैरेटिव क्या कहानी बनानी है वो आपके पहले ही व्हाट्सएप आ जाती है। और मैं आपसे उस दिन भी थोड़ा इशारा किया था, जिस विभाग से आप चलते हो सबसे ज्यादा करप्शन उसी विभाग में है, ये बात आप भी स्वीकार करते हो मनी मन, लेकिन क्या करें, प्रॉस्पेरिटी लानी है तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हैं हम और आप लोग। मुख्यमंत्री का और दोनों डिप्टी सीएम जिम्मेदारी मिली है चुनाव जिताने की। ये जो लोग चिल्ला रहे समाजवादी समाजवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। अरे पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास, एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को उन्होंने लिख करके दिया सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी, जो और लोग हैं जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं, क्या उनके ऊपर नहीं चलेगी? और आप तो पत्रकार हो, आप खुद जानते हो सूची में कौन लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से उनके इशारे पे राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा था आपको, इन पे हुनर है, इनके साथ सब संस्थाएं भी हैं जो उन्हीं की बात करती हैं, इसलिए सावधान आपको भी रहना है।